माई चैनल। तो आज अगेन संडे है और हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए। ना संडे में बहुत दिन एग्जॉस्टेड हो जाता है पूरे डे वर्क करके, तो अभी हम लोग थोड़ी सी आउटिंग के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द नागपुर मोर। अभी मुझे भी नहीं पता है मैं एक्चुअली जा कहाँ रही हूँ, पर एक्सप्लोर करने जा रही हूँ इतना पता है, अदरवाइज लॉन्ग ड्राइव होगी। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय टुगेदर। तो लो जी, हम दो पंछी प्यार के निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव पे। हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पर हाँ संडे को बहुत एग्जॉस्ट लगता है मुझे घर में, तो हम बस निकल गए। हम काफ़ी आगे आ गए थे, लाइक ये एयरपोर्ट वाला रूट है नागपुर का, हम उससे भी आगे आ गए थे। बहुत आगे आ जाने के बाद हमको कुछ मार्केट कॉम्प्लेक्स जैसा दिखता है, जहाँ पे कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, लाइक मैक्स का था और बेबीज़ का था, बेबी हग वाला था, पूमा का था शोरूम। तो हमने कहा चलो यहीं पर ही कुछ देखते हैं, क्या पता कुछ मतलब का मिल जाए। बट हम शॉपिंग पे बिल्कुल भी नहीं आए थे, हमारा कोई मूड नहीं था शॉपिंग का, पर फिर भी यू नो एक्सप्लोर करना था, तो बस हम चल पड़े। चलते चलते हमें वहाँ पे एक बेबी हग का स्टोर दिखा, मैक्स का दिखा। मेरा तो बड़ा मन था मैक्स जाने का, पर हस्बैंड ने बोला बेबी के लिए कुछ देख लेते हैं सिपर वगैरह, तो हम बस बेबी हग के शोरूम पे गए हैं। और ये मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि उनको चूना लगने वाला है आज भी कुछ। मैंने उनसे कहा मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, बट यू नो बेबी मिली है ऐसी दुनिया में ना होगी ऐसी। ये इनका बेसिकली एक सरकास्टिक ताना था जो ये बोलना चाह रहे थे कि तुम आज फिर लूटने वाली हो। मैंने कहा नहीं, मुझे बेबी का सामान चाहिए। मैं यहाँ पे सिपर्स देख रही थी, यार बेबी हक में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं, बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छा अच्छा सामान तो मिल जाएगा, बट द वे आई थिंक ये काफ़ी कॉस्टली। इनका जो सेल वाला पोर्शन था वो भी इतना घटिया था ना कि उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसमें सामान तो काफ़ी अच्छा ही, यू नो बेबी हग के लिए तो बेबी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, क्लोथ, डाइपर, बेबी डाइपर्स और बेबी के खेलने के खिलौने वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल था, बट मुझे यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आया। और उसके बाद मैं गई अपनी फेवरेट प्लेस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यस यू हर्ड इट राइट, मैक्स। मैक्स इज माई ऑल टाइम फेवरेट, चीप एंड बेस्ट। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, इनका क्लोथ का ब्रांड, फैब्रिक वगैरह सब बहुत अच्छा रहता है, तो मैं अपने बेबी के लिए ज़्यादातर कपड़े यहीं से खरीदना पसंद करती हूँ। प्रिंस तो अपने कपड़े खुद पसंद कर रहे हैं अभी से ही, जब नवाब ही देखिए ज़रा अपने कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं। चलो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, चलो कुछ और देखते हैं। यस ये स्लीपर वाले एरिया में चलते हैं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। मॉल में जाके प्रिंस के पीछे बहुत भागना पड़ता है। फिर मैंने अपना कलेक्शन देखा, यस लड़कियों का कलेक्शन माई फेवरेट प्लेस। कुर्ते वाले एरिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे और काफ़ी अच्छी सेल लगी थी, तो मैंने भी कुछ यहाँ से परचेज करा। ये तीन कुर्ते मैंने लिए, ये साइज़ स्मॉल था पर इसकी फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी आ रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे स्मॉल आ भी सकता है। लाइक प्रेगनेंसी के बाद मुझे लगता था मुझे स्मॉल तो कभी आएगा ही नहीं। और ये था, ये मीडियम था, पर मीडियम आप देख रहे हो कितना ढीला है, ये ग्रीन में तोते जैसी लग रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा था। बस मुझे लग रहा था इसका प्रिंट थोड़ा सा नाइस लगेगा, ऑफिस आउटफिट टाइप फील दे रहा था, बट नो, आई सेड नो। और ये थर्ड, ये भी स्मॉल था, मुझे लगा जब वो स्मॉल आ गया तो ये भी आ जाएगा, पर मैं सांस पूरी अंदर करी हूँ तब भी मोटी लग रही हूँ, नो, आई सेड बिग नो। उसके बाद मैंने ये तीन ट्राई करे हैं एंड देखते हैं अब मुझे इसमें से कौन सा फाइनल करना, आप गेस करके मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। फिर मुझे बेबी के लिए स्लीपर लेनी थी, तो मैं बेबी वाले स्लीपर के सेक्शन में चली गई, वहाँ पर भी सेल लगी हुई थी। बच्चों के लिए शूज़ एंड स्लीपर यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं, इनका ब्रांड, इनकी वैरायटी, इनकी क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ ऑसम। उसके बाद मैंने प्रिंस के लिए एक स्लीपर लिए एंड अपने लिए एक कुर्ती ली, जो जिसमें मैं पतली लग रही थी, यू नो स्मॉल साइज़ आ गया मुझे, ओह गॉड, मुझे लग ही नहीं रहा आएगा। उसके बाद बिलिंग सेक्शन पे गई और अपना बिल्कुल पे करने के बाद मैं वहाँ से निकली। वहाँ से निकलने के बाद मेरे हस्बैंड को ऐसा फील आया कि यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर रेस्टोरेंट है, उन्होंने देखा चलो चलो हम यहाँ चलेंगे। मैं बोल भी रही थी भाई ये रेस्टोरेंट नहीं है, बट ही इज़ लाइक नहीं ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। एंड सी हम उनके पीछे पीछे चल दिए। और यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, ये एक इंटीरियर डेकोर आइटम का शॉप था, लाइक शोरूम था। यहाँ की लाइटिंग वगैरह बड़ी क्लासी क्लासी थी, एक मंकी बैठा हुआ था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही बेस्ट डेकोर आइटम थे, बट मैं पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले वापस और हमको लगने लगी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि भैया इतना चलने के बाद तो हमें लग जाती है भूख। हमने कहा चलो अब यहाँ से चलते हैं और कोई खाने का ठिकाना ढूंढते हैं, वो तो रेस्टोरेंट नहीं मिला। उसके बाद हम निकल गए और लॉन्ग रूट से फिर वापस अपने नागपुर की ओर चलते 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 चलते
बीच में जाके कहीं दूर झाड़ियों के बीच में हमें एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा ढाबा मिला। हमने कहा आज ढाबे का कुछ खाएंगे और यहाँ पे हमने ऑर्डर करी बिरयानी जो कि बड़ी ही टेस्टी और लजीज थी और गरम गरम तंदूरी चिकन के पीस। ओहो हो मज़ा ही आ गया खाने के बाद, तो बड़े ही करारे थे। सच बताऊँ देसी फूड का मज़ा ही अलग है। खाना खाने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ चल दिया और इस तरह हमारा आज का दिन पूरा कम्प्लीट होता है। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइज अगर अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।